वेलकम फ्रेंड्स, मैं देवनंद बोल रहा हूँ। ये देखिए, मेरे पास एक थॉमसन का 32 इंच का सेट आया है। ये देखिए, ये थॉमसन का सेट है, 32 इंच का है। ये जो मेरे पास आया है, ये नो डिस्प्ले में है। इसका ये देखिए, इंडिकेटर जल रहा है। मैं इसको अभी स्टैंड बाई छुड़ा रहा हूँ। और देखिए, यहाँ पे इसका बैकलाइट भी जल गया है। देखिए, यहीं पे बैकलाइट जल गया है। मैं सामने दिखा रहा हूँ, ये पूरा ब्लैंक डिस्प्ले है, लेकिन इसका बैकलाइट जला हुआ है। ये बिल्कुल ब्लैंक में है। तो ऐसा जो सिचुएशन में हम लोगों को जैसे पैनल को रिपेयर करना है, यह नो डिस्प्ले मतलब इसमें पैनल का इशू है, कहीं ना कहीं पे कुछ वोल्टेज मिसिंग है। तो इसका मैं पैनल नंबर भी आप लोगों को दिखा दूं। ये जो पैनल है, ये LSC320N09, ये एक बहुत पॉपुलर पैनल है। अभी मैक्सिमम सिंगल कप जो पैनल होता है, इसमें ये मैक्सिमम यूज होते हैं। इसका भी आईसी का नंबर देखिए, जो डीसी टू डीसी आईसी है, ये सिंगल आईसी है और सिंगल कॉप है। इसका जो आईसी का नंबर है SM4186। ये बहुत पॉपुलर आईसी है अभी। तो इसका जो रिपेयर करने का जो तरीका है, वो मैं अभी आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। तो ऐसा केसेस में जब ब्लैंक डिस्प्ले होता है, मतलब नो डिस्प्ले होता है, तो हम लोगों को पहले इसका सप्लाई चेक करना पड़ता है। तो मैं अभी इसका सप्लाई चेक करके दिखा रहा हूँ। ये इसका सप्लाई है। सप्लाई देखिए, यहाँ पे 12 वोल्ट प्रेजेंट है। तो इसके बाद हम लोग को क्या चेक करना है, 12 वोल्ट जब प्रेजेंट होता है, तो इसके बाद हम लोग को 3.3 वोल्ट चेक करना पड़ता है। तो यहीं पे देखिए, ये जो पॉइंट है, यहीं पे आप दिख रहा है, ये VCC 3.3, देखिए ये 3.3 भी बिल्कुल बराबर है। उसके बाद यहीं पे और एक जो वोल्टेज चेक करना है, ये देखिए, ये 1.8 का है, ये VCC 1.8। यह भी देखिए VCC, ये 1.8 का है। यहाँ पे जो ये 1.8 देखिए, ये भी यहीं पे प्रॉपर है। तो इसका जो मेन जो VCC है, 3.3 और 1.2, इसमें अभी प्रॉपर है। तो इसके बाद हम लोग को चेक करना है इसका जो डाटा क्लॉक वोल्टेज है, वो चेक करना है। ये यहीं पे इसका मेमोरी ऐसे लगा हुआ है, इसका पहले सप्लाई चेक करना है। देखिए, सप्लाई यहीं पे 3.287 वोल्ट ओके है। तो अभी इसका जो SCL है, वो भी ओके है। और इसके बाद जो SDA है, वो भी यहीं पे ओके है। तो अभी जो हम लोगों को जो इस पैनल में क्या होता है, इसका जो टिकॉन प्रोसेसर है, ये इस जो कॉप है, कॉप आईसी का अंदर ही रहता है। यहीं पे जो इसका आईसी है, इसका अंदर ही टिकॉन प्रोसेसर रहता है। तो अभी ये टिकॉन प्रोसेसर चलने के लिए इसका 3.3 और 1.8 वोल्ट और डाटा क्लॉक प्रेजेंट है। तो इसके बाद जो चेक करना है, इसका जो मेन बूस्टिंग VCC है, वो है AVDD। AVDD पे मैंने चेक किया, देखिए कुछ वोल्टेज नहीं है। ये AVDD का आउटपुट पॉइंट है, इसमें कोई वोल्टेज नहीं है। और यहीं पे V ऑन का टेस्ट पॉइंट भी दिया हुआ है, देखिए ये V ऑन का टेस्ट पॉइंट, यहीं पे भी कुछ वोल्टेज नहीं है। तो इसके बाद ये जो पॉइंट है, ये VGL का पॉइंट है, यहीं पे भी कुछ वोल्टेज नहीं है। मतलब अभी सिर्फ 3.3 1.8 इसमें प्रेजेंट है और कुछ बूस्ट वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो ऐसा केसेस में हम लोगों को चेक करने का एक तरीका होता है, क्या ये DC-DC काम कर रहा है कि नहीं, ये चेक करने का एक तरीका है, जो तरीका मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। इसका तो एक पार्ट तो काम कर रहा है, 3.3 1.8 निकल रहा है, मतलब ये DC-DC तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये काम कर रहा है। लेकिन ये बूस्टिंग क्यों नहीं हो रहा है, ये अभी देखना है। ये बूस्टिंग देखने के लिए हम लोग को अभी इसका पावर को ऑफ करना है।
ऑफ करने के बाद जैसे हम लोग टेस्ट करते हैं, पहले इसका जो ये एवरीडी पॉइंट है यहीं पे हम लोग मीटर ला के रखेंगे और सेट को पावर ऑन करेंगे। अगर इसमें जो एवरीडी पॉइंट है, अगर फर्स्ट स्टैंडबाय छोड़ने के बाद अगर थोड़ी सी भी बूस्ट वोल्टेज बन गया है तो मतलब ये डीसी काम कर रहा है। तो अभी देखना है यहीं पर लाइन देने पर फर्स्ट बूस्टिंग बनता है कि नहीं। तो मैं लाइन दे रहा हूँ, अब लोग ये मीटर की तरफ देखते रहिएगा, इसमें कुछ फ्लक्चुएट हो रहा है कि नहीं वो देखना है। मीटर की तरफ देखिए, ये देखिए, ये थोड़ी सी भी बूस्ट बन रहा था। मैं और एक बार दिखा, मैं फिर से और एक बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग ये मीटर के, क्योंकि मुझे अकेला ये वीडियो करना पड़ रहा है, यहीं पे पहले मैं स्टैंड बाई छुड़ा रहा हूँ। देखिए स्टैंड बाई छुड़ा दिया, मीटर की तरफ देखिए, देखिए मीटर में 2.5 के करीब वोल्टेज बन रहा था, उसके बाद ये बैठ गया है। ऐसा सेम टेस्टिंग हम लोगों को वीजेज पे भी करना है। मैंने पावर ऑफ कर दिया, इसके बाद यहीं पे जो वी ऑन का पॉइंट है यहीं पे भी हम लोगों को एक बार चेक करना है, यहीं पे भी बूस्ट वोल्टेज बनता है कि नहीं। तो मैंने लाइन दे दिया है और फिर एक बार आप लोग ये मीटर की तरफ देखते रहिएगा, देखिए मीटर की तरफ देखिए, यहीं पे भी देखिए 3.5 के करीब वोल्टेज आके बैठ गया है। मतलब ये कन्फर्म है क्या ये DC-to-DC बूस्टिंग करने में मदद कर रहा है, लेकिन आगे वाला लाइन में कहीं पे शॉर्टिंग की वजह से ये वोल्टेज प्रोटेक्शन में चला जा रहा है। तो अभी ऐसा केसेस में हम लोगों को टेस्ट करना है, यहाँ पे जितना आउटपुट है मतलब वी ऑन है, यहीं पे वी ऑफ है, एवीडी है, HVDC भी यहीं पे है, तो सबका जो आउटपुट में कैपेसिटर लगा हुआ है ये सब में हम लोग को पहले कोल टेस्ट करना है, कहीं पे कुछ PF वगैरह शॉर्ट है क्या नहीं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो मैंने एक्चुअल में इसका जितना आउटपुट पॉइंट है सब में मैं चेक कर लिया है, कोल टेस्ट भी कर लिया है, तो देखा इसमें कुछ PF में कहीं पे कुछ शॉर्टिंग नहीं मिला है, कहीं पे कुछ शॉर्टिंग नहीं है। ये स्केलर PC में सब कुछ PF बिल्कुल बराबर है। तो इसको अभी रिपेयर करने के लिए जो वाइटल पार्ट होता है, तो यहीं पर कुछ आउटपुट में कुछ शॉर्टिंग नहीं है, तो शॉर्टिंग कहाँ हो सकता है? शॉर्टिंग जो इस पैनल में मैक्सिमम होते हैं ये पैनल का गेट ड्राइव में, मतलब इस गेट ड्राइव करने के लिए यहीं पे CKB सिग्नल दिया हुआ है। देखिए यहीं पे CKB का कुछ टेस्ट पॉइंट दिया हुआ है, आप लोग शायद देख पा रहे हैं, यहीं पे देखिए CKV1 CKV2 CKVV1 CKV2 VOP STP VSS, ये जो जितना पॉइंट है ये सब हम लोगों को ये सोर्स कॉप से होते हुए गेट ड्राइव में चला जाता है। ये गेट ड्राइव करने के लिए इधर से ऐसा करके सिग्नल जाता है। तो अभी ऐसा करना है, इसका जो दोनों साइड में गेट सिग्नल है देखिए, यहीं पे भी कुछ टेस्ट पॉइंट दिया हुआ है और यहीं पे भी कुछ टेस्ट पॉइंट दिया हुआ है, और ऐसा शेड्यूल में ये CKV सिग्नल इसमें रहता है। तभी नेक्स्ट जो हम लोग का काम है, यहीं पे कोई PC में कहीं पे कोई शॉर्टिंग नहीं है, मतलब इसका गेट ड्राइव में कहीं ना कहीं पे भी शॉर्टिंग है, जिसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा। अभी ये जो इधर साइड का CKV है और इधर साइड का जो CKV गेट ड्राइव के लिए यूज है, ये दोनों साइड में एक एक साइड करके हम लोगों को आइसोलेट करना है। ये CKV टेक काट करके देखना है इसमें बूस्ट वोल्टेज बनता है कि नहीं, और इसका बाद क्या सिचुएशन आता है ये हम लोग को चेक करने के लिए CKV को काटना पड़ेगा। मैं पहले इसमें लेफ्ट साइड का जो
सीखे भी ट्रैक है, इसको मैं कट करके देख रहा हूँ। अगर इसमें सॉल्वेशन हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो क्या करना पड़ेगा, ये लेफ्ट साइड को साई से जोड़ के राइट साइड को ट्रैक कट करना पड़ेगा। तो मैं अभी इसमें करने की कोशिश कर रहा हूँ, और यहीं पे जो करने का तरीका है वो भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कैसे करते हैं। ये मैंने सेट अभी बंद कर दिया है, तो अभी जिस तरीके से मैं सीखे हुए ट्रैक को काट करूँगा वो तरीका भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए ये जो सीखे हुए का ट्रैक है, ये हम लोगों को पहले इसका ऊपर जो कोटिंग है ये कोटिंग को निकालना है, क्योंकि ये काटने के बाद हम लोगों को जोड़ना भी पड़ता है कभी कभी, इसलिए मैं अभी इसका जो ऊपर कोटिंग है इसको मैं निकाल रहा हूँ। देखिए ऐसा करके पहले इसका जो ऊपर का कोटिंग है ये सारा निकल लेना चाहिए। देखिए बंस, मैंने इसको पूरा घिस लिया है, इसमें जितना ट्रैक था सीकेबी का ट्रैक था ये सब मैंने घिस लिया, मतलब इसका ऊपर का जो कोटिंग था इसको निकल लिया है। तो इसके बाद इसको कैसे कट करना है ये मैं दिखा रहा हूँ। ये पूरा एक ही बार में ऐसा कट करना है, ज़्यादा इसमें घिसना नहीं चाहिए। मैं इसको काट करके दिखा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड को काट मारा है, ये चारों सीकेबी के मैंने यहीं पे ट्रैक को काट दिया है, लेकिन अभी भी इसमें सेम पोजीशन है। यहीं पे देखिए एवीडी भी वोल्टेज नहीं बना है और वी ऑन का वोल्टेज भी यहीं पे नहीं बना है, जैसा सिचुएशन था वैसा ही है। मतलब ये 1.8 है और ये यहीं पे 3.3 जैसा था वैसा ही है। तो अभी क्या करना है, ये साइड कट करके ट्राई किया हूँ लेकिन कुछ सॉल्वेशन नहीं हुआ, फिर मैं इस साइड को कट करूँगा। अभी मैं इसको जोड़ूँगा नहीं, बाद में जोड़ूँगा, उससे पहले मैं इधर साइड का ट्रैक कट करके देख रहा हूँ, देखते रहें। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जैसा बताया था मैं अभी इस साइड को जोड़ा नहीं, लेकिन तभी ये राइट साइड को मैंने कट कर दिया है, और ये कट करने के बाद अभी मेरा वोल्टेज सब देखिए बन गया है। ये देखिए वी ऑन का वोल्टेज मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए जो मेरा वी ऑन का टेस्ट पॉइंट है अभी इसमें वोल्टेज बन गया है। देखिए 30.55 वोल्ट वी ऑन पे बन गया है, और यहीं पे ये VGL है, VGL भी देखिए -10 वोल्ट बन गया है, और यहीं पे AVDD पॉइंट है, AVDD भी 15.46 वोल्टेज भी साइज से बन गया है, मतलब अभी सब कुछ बूस्टिंग वोल्टेज बन गया है। और ये वाला जो है यहीं पे HVDD वे है, यहीं पे ये जो पॉइंट है ये HVDD का पॉइंट है, ये देखिए 7.73 वोल्ट मौजूद है। तो सब कुछ वोल्टेज बन गया है, अभी डिस्प्ले में कुछ नहीं आएगा, मैं दिखा भी रहा हूँ क्या सिचुएशन है, अभी भी इसमें ब्लैंक है, जैसा था वैसा है। क्यों ऐसा है, क्योंकि अभी दोनों साइड में सीके भी कटा हुआ है, इधर राइट साइड में भी कटा है और लेफ्ट साइड में भी कटा है। तो अभी प्रॉब्लम किस साइड से निकले है, राइट साइड को कट करने के बाद मेरा वोल्टेज सब कुछ बन गया है। तो मैं अभी फिर से ये जो लेफ्ट साइड का ट्रैक है ये मैं एक एक करके साइड से जोड़ूंगा, जोड़ने के बाद देखता हूँ इसमें पिक्चर बनता है क्या नहीं। तो देखिए मैं दिखा रहा हूँ, तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जैसा किया था अभी मैंने ये लेफ्ट साइड का और सीके भी साइड से जोड़ दिया है। देखिए क्लियर से देखिए, यहीं पर मैंने जो चार ट्रैक काट किया था वो मैंने सही तरीके से जोड़ दिया है, और ये राइट साइड अभी कटा हुआ है। तो मैं अभी इसमें लाइन देकर देखती हूँ इसमें सॉल्वेशन हुआ है कि नहीं। तो मैंने ये लाइन दे दिया है, हाँ इसका स्टैंड बाई छोड़ गया। तो अभी यहाँ पे जो AVDD पॉइंट है, हाँ AVDD वोल्टेज अभी बन गया है, 15.45 है, और वी ऑन 30 है, VGH
VGL माइनस 10। तो मेरा सेट शायद चालू हो गया है, अभी सामने डिस्प्ले की तरफ देखना है पिक्चर बना है कि नहीं। सिग्नल भी दिया नहीं, लेकिन इसमें हाँ ये नो डिस्प्ले का जो सिग्नल का बार है वो आ गया है। और अभी पिक्चर दे के देखना है इसमें कुछ डिस्टर्बेंस आया कि नहीं, क्योंकि मैक्सिमम ये सीके भी लाइन कट करने के बाद कुछ डिस्टर्बेंस आता है। तो मैं इसमें अभी एक बार सिग्नल देकर चेक करता हूँ। देखिए हाँ, तो मैंने इस पर अभी सिग्नल दे दिया है, अभी पिक्चर दिखा रहा हूँ। पिक्चर पूरा बराबर आ गया है। और यहीं पे देखिए इसका जो राइट साइड में कुछ बार दिख रहा है, और ये राइट साइड में ये शॉर्टिंग की वजह से ही ये सेट नो डिस्प्ले में था। तो इसलिए आप लोग शायद जानते हैं मैंने ये इसका राइट साइड का भी ट्रैक काट किया है, जिसके वजह से ये सेट प्रोटेक्शन में जा रहा था। ये इस साइड का ये शॉर्टिंग की वजह से ही सेट प्रोटेक्शन में पड़ा हुआ था। तो मैंने इधर राइट साइड का तो ट्रैक काट किया है, ये आप लोगों को दिखाया है। इस साइड में ही प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से अभी कुछ लाइनिंग आ रहा है और पूरा फुल स्क्रीन पिक्चर ओके है। इसमें और कुछ डिस्टर्बेंस नहीं है, सिर्फ इधर साइड में थोड़ा कुछ बार आ गया है, जिसकी वजह से ये सेट प्रोटेक्शन में चला जा रहा था। तो मेरा सेट अभी बिल्कुल बराबर चल रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।